अच्छा क्या लगता है, सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए या हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए? देखिए हमारे समझ से तो जहां से आई है वहां उसको चला जाना यानी आप चाहिए। पाकिस्तान भेजना चाहती हैं? लीजिए गलत तरीके से आई है तो क्या उसके लिए कानून अलग से बनेगा क्या? आज एक चर्चा का विषय है सीमा हैदर, जो 4 बच्चों की माँ है और पाकिस्तान से अपने इंडिया में आई है, उनको लेकर क्या कहना चाहती है? हिंदुस्तान की जनता जो तारीफ कर रही है, हिंदुस्तान की जनता को सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान कट्टर दुश्मन रहा है। हाँ, और केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि कहाँ से चूक हो गई कि गलत रास्ते अपना कर चर्चर बच्चे को लेकर हिंदुस्तान में आ गई। हाँ, तो इसको अभी सही नहीं कहा जाएगा, इसको जांच की विषय है। अच्छा, आप क्या मांग करना चाहती हैं? वो सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाए या हिंदुस्तान में ही रहे? देखिए उसका नियम कानून, उसके पाकिस्तान तो मैं गई नहीं हूँ, हम हिंदुस्तान की हूँ, हिंदुस्तान का नियम कानून जानती हूँ और 55 देशों में देखे हैं कि राष्ट्रीय मुस्लिम वहाँ कानून होता है, तो हम वहाँ नहीं जाए क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, हमारा इतिहास गवाह है, जो प्रश्न बोलती हूँ उसका जवाब भी रखती हूँ, बात समझ रहे? तो अब सरकार जब इस तरह का वो कई प्रांत से आई है तो हमारे समझ से तो अच्छा नहीं है, इसलिए कि उसने कानून को तोड़ कर ये हिंदुस्तान में प्रवेश आई है, कोई गुंडा वहाँ का धमकी दे रहा है, कोई डाकू हाँ, धमकी दे रहा है, बताइए, तो हमारे समझ से उचित नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान के जनता को सोचना चाहिए कि क्या है, क्या वजह है, ये जासूस है, किस तरह इससे लगाव हो गया, लगा, पबजी से प्यार हो गया, पबजी से। हाँ, अरे पबजी से सब तो प्यारे करता ना सा, जौन वही ले 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 बना सा मोबाइल, कुल प्यारे करता ना आप सा, लोगों के समय में ऐसा होता था? ना ना हमने के जमाना में ये सब नहीं होता है, कहना है कि प्यार की गहराई में, एक से नहीं बोली थी कि प्यार की गहराई में डूब के भर जाएंगे हम तेरी झील सी आंखों में उतर जाएंगे, चढ़ते दरिया तो एक रोज उतर अच्छा, जाएंगे। क्या लगता है 4 बच्चों का क्या होगा अब? अब देखिए कानून का विषय है, ये नेता कुल हवा हवाई बोलते हाँ हैं, ये नेट पर कुल देख रहे हैं, कुछ भी कह देते हैं, हाँ बात समझ रहे हैं, मैं सामाजिक स्तर से आती हूँ और समाज को भी सम्मान करती हूँ और कानून को भी बहुत दिल की गहराई से मानती हूँ, इसलिए मेरे शस्त्र होने के नाते मैं प्रशासन के अंडर में रहती हूँ, मगर जो सच्चाई है वही बोलूंगी। अच्छा क्या लगता है, सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए या हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए? देखिए हमारे समझ से तो जहां से आई है वहां उसको चला जाना यानी आप चाहिए। पाकिस्तान भेजना चाहती हैं? लीजिए गलत तरीके से आई है तो क्या उसके लिए कानून अलग से बनेगा क्या? जिस तरह मेरे पे चुनाव आचार संहिता आयोग बोलता है 144 धारा लग गया, और तीन तीन बार जानलेवा हमला लग हो गया, और मैंने सारी रजिस्ट्री भेजी, सारी सूचना भेजी, तो इसके लिए कानून अलग से आएगा? गलत तरीके से ना आइए, हमने 2001 में भी लड़ा था तो माननीय चुनाव आयोग ने स्वीकार किया, 2024 में भी लड़ी माननीय योगी आदित्यनाथ से तो स्वीकार किया चुनाव आयोग, और 2023 में भी लड़ी नियम के आधार पे तो माननीय चुनाव आयोग ने स्वीकार किया, तो हमको स्वीकार किया है ना, तो हमें चुनाव आयोग से ये कहना है कि हमारे पे 3 बार जानलेवा हमला किसके मुखबिरी से हुआ, जमाने कई युग से मांग खा रही हूँ गलियों घाटों में, आज तक तो इस तरह का घिनौनी हरकत नहीं हुआ, क्या मुख्तार डान के गढ़ में लड़ी तो अभी अरशद जमाल का इतने दर्द होने लगा हमें, अच्छा, मुख्तार डॉन के क्षेत्र में से भी लड़ी ये थी आप? डान का गढ़ है, अरे ये मुख्तार अच्छा का, वो मुख्तारे का मुरीद है अरशद जमाल, अच्छा तब क्या हमसे पूछिए, हाँ हम गलियों घाटों में घूमती हूँ, हमें जानकारी है। अच्छा, आप पढ़ाई कहाँ तक की हुई है? पढ़ाई से क्या लेना देना, हमको भी ज्योति मौर्य बनाएंगे क्या? आइए नहीं, आपका तो शादी हो गया है। हम शादी रख के क्या करेंगे, बाप माँ किया था वो अपना संतुष्ट नहीं हुई, 25-26 बरस पहले चली गई, हाँ अबे उम्र में शादी करके क्या करूंगी हाँ तो ज्योति बताइए। मौर्या के जैसे बोल रही हैं।
नहीं, तुलना जो आप कह रहे हैं आपको पूछना चाहिए कि अच्छा, आप इंग्लिश में भी बात कर लेती हैं क्या? लीजिए, मेरी माँ ने पढ़ाई है तो क्यों नहीं बोलूंगी। वाणी से आपको नहीं मालूम होता है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ? नहीं होता है। हाँ, तो जब आप पूछेंगे, देखिए 1947 में किसी तरह देश आजाद हुआ, मगर 1947 के बाद किसी पार्टी वाले ने किंडो पे नजर नहीं डाला। बात समझ रहे हैं? 1947 के बाद किंडो ने इंडिया में पहली बार 7 जगह से पर्चा भरा था, छोटो बड़ो पदों से, और पहली बार में 7 जगह से सीट को निकाल दिया। जिस तरह गया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, ऐसे ऐसे पूर्वांचल सीटियों से किंडो ने पहली बार पर्चा भरा और पहली बार में अपनी सीट को निकाल दिया और इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू आज और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू, ही एडवोकेट एंड ही वाज ए रिच मैन, ही लिव्ड इन इलाहाबाद, द नेम ऑफ सी हाउस इज ए आनंद भवन, इट इज ए बिग हाउस एंड देर इज ए ब्यूटीफुल। कहने का मतलब कि इंडिया की पहली रिकॉर्ड तोड़े थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया में प्रथम बार प्रधानमंत्री हुए थे। वैसे महान पुरुष को एक किन्नर ने मिसाल डाल दिया। शहडोल जिला मध्य प्रदेश में शबनम मौसी रही विधायक, और दूसरा रिकॉर्ड तोड़ा मेरा गुरु अमरनाथ उर्फ आशा देवी, जिसको कहते हैं कि गोरखपुर इंडिया की सबसे गुंडा जगह है, इंडिया की सबसे क्रिमिनल जगह है। अरे गोरखपुर बुनियादी जमीन पे एक से एक माने गुंडा पैदा की थी उस जगह से मेयर अमरनाथ उर्फ आशा देवी ने अपनी सीट को निकाल दिया। इस तरह जमाना जब्त किया कि फिर कोई प्रत्याशी उस पे हाथ नहीं लगाएगा तो ये मुख्तार डान का तो जिला छोटा पड़ जाएगा। इसलिए मैं पार्लियामेंट का आपके चैनल से, घोसी लोकसभा से भावी प्रत्याशी होने का ऐलान करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बाकी आप लोग देखिए और सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाले समय में ये भी हो, इससे और बड़ा करे धमाका। धन्यवाद।